आज की हमारी रेसिपी है फ्राइड राइस। फ्राइड राइस बनाना बहुत ही आसान है, ये बहुत ही जल्द बन के तैयार हो जाता है। इसे आप किसी भी सब्ज़ी के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर आप इसे सिंपल भी सर्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसे मटर पनीर के साथ सर्व किया है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है, आप देख भी सकते हैं ये कितना ज़्यादा कलरफुल लग रहा है देखने में। खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी बना है, इसे आप घर पर ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए हमने लिया है प्याज, टमाटर, लहसुन, हरी मिर्च और अदरक। मसाले में मैंने यहाँ पे लिया है एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का, लौंग, 4 से 5 दाने काली मिर्च के लिए हैं, ज़ीरा लिया है, लाल मिर्च पाउडर लिया है, नमक और फ्राइड राइस मसाला। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई में मैंने घी डाला है, घी को हल्का सा गर्म होने देंगे। घी गर्म होने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, ज़ीरा। अब मैं इसे 4 से 5 सेकंड तक इसी तरह से लो फ्लेम पर रखूंगी ताकि ये हल्का सा ब्राउन कलर आ जाए इसमें। अब मैं इसमें डालूंगी प्याज। यहाँ पे मैंने एक प्याज को बारीक काट लिया था, अब मैं प्याज इसमें डाल दूंगी। प्याज के बाद अब मैं इसमें ऐड करूंगी हरी मिर्च। मैंने यहाँ पे 2 हरी मिर्च को बारीक काट लिया है, इसे मैं डालकर हल्का सा भून लूंगी। इसे इसी तरह से चला के भूनेंगे इसे। अब मैं इसमें ऐड करूंगी लहसुन का पेस्ट। मैंने यहाँ पे 4 से 5 कली लहसुन की पीस ली थी। अदरक का पेस्ट लूंगी, एक छोटा टुकड़ा मैंने अदरक का लिया था, उसका पेस्ट बना लिया था। इसे मैं इसी तरह से चलाकर हल्का पिंक कलर आने तक भूनूंगी। आप देख सकते हैं पिंक कलर आ चुका है। अब मैं इसमें एक टमाटर मैंने बारीक काट लिया था, टमाटर ऐड कर दूंगी। इसे भी हम इसी तरह से चलाकर भूनेंगे। जब टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे, देखिए टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, अब मैं इसमें यहाँ बॉईल किए हुए चावल ऐड कर दूंगी। चावल के साथ ही मैंने मटर को भी बॉईल कर लिया था, आप चाहें तो मसाले के साथ भी मटर को भून सकते हैं। अब मैं इसमें मसाले डाल दूंगी। लाल मिर्च मैंने 1 छोटी चम्मच लिया है, नमक स्वाद अनुसार और ये फ्राइड राइस मसाला 2 चम्मच लिया है। सारे मसाले मैंने चावल में डाल दिए हैं। अब मैं इसे चलाकर इसी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि जो मसालों का फ्लेवर है वो चावल में भी अच्छे से मिक्स हो जाए। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे, हम इसे इसी तरह से चलाकर मिक्स करेंगे। जब तक ये चावल मिक्स हो रहे हैं, आप में से जो भी मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम फ्लेम लो कर देंगे थोड़ी देर के लिए। अब हम इसे 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ही पकाएंगे। लो फ्लेम पर हमने इसलिए रखा है ताकि जो मसाले हैं वो चावल में उनका फ्लेवर अच्छे से आ जाए। 1 मिनट के करीब हो चुका है, हम इसे चला लेंगे इसी तरह से। गैस की फ्लेम अब ऑफ कर देंगे हम। अब हम इसे सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं फ्राइड राइस बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं सर्व करने के लिए। आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और ये बहुत ही जल्द बनकर तैयार हो जाते हैं। आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें।